ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸੱਜ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਮਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਡੇਲੀ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕੱਲ ਵੀ ਮਮਾ 3 ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਤੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈਗੇ ते आज दा जो बयान है वो मौलाना तारिक जमीन जी जो सब लोग बहुत पसंद करते हैं उनका बयान आज दा जो बयान है अल्लाह अपने बंदों का इंतजार करता है टाइटल इतना प्यारा है कि बहुत मैं एक्साइटेड हाँ सुनने वास्ते कि समझाएंगे क्योंकि मौलाना तारिक जमीन जी के जिन्हें भी बयान होंगे ना वो एक लेसन होंगे थोड़ी लाइफ वास्ते तुसी इंप्लीमेंट करो तो बहुत बहुत फर्क पड़ेगा ते आज असीं ये सुनते हैं इन्हां दा नवां बयान है चलो तुसी भी सुनो असीं भी सुनते हैं खौफनाक जंगल है ना दुनिया आज नाफरमानी का जंगल है ऐसी नाफरमानी कभी नहीं हुई धरती पर जितनी आज हो रही है ऐसी तबाही इंसानियत की कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है ये तो मामिन योमिन इल्ला वल बहरु यस्ताज़िनु रब्बहु फी अन युग़रिक इब्न आदम समंदर कहता है या अल्लाह इजाज़त दे मैं चढ़ जाऊँ और इन्हें उठा के ले जाऊँ अपनी गहराइयों में बहरुल काहिल 11 किलोमीटर गहरा है फिलिपाइन के पास बहरुल काहिल की गहराई 11 किलोमीटर है वो कहता है या अल्लाह इजाज़त दे हम चढ़ जाएँ अर्द तस्ज़नफ़ी अन तब्तलिहू फिर समंदर को आने में कराची से देर लगेगी ये फैसलाबाद की धरती पूछती या अल्लाह इजाज़त दे मैं फट जाऊँ और इनको निगल जाऊँ और इनको अंदर धंसा दूँ वल मलाइकतु तस्ज़नफ़ी अन तुआजिलहू व तुहलिकहू फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह इजाज़त दे हम उतर जाएँ और इनकी गर्दनें उड़ा दें और जिस रब की नाफरमानी हो रही है सुभान अल्लाह उससे तो उसे होना चाहिए पकड़ लो मार दो जगड़ जैसे हमारी किसी से दुश्मनी हो जाए हम आखिरी हद तक चले जाते हैं अल्लाह के दुश्मन बनी बैठी है दुनिया और अल्लाह कह रहा है क्या कह रहा है दुऊ अब्दी फअना आलमु बिअब्दी मिनकुम ओए हाय हाय चलो चलो अपना काम करो मेरे बंदे को छोड़ो मेरे बंदे को छोड़ दो कुछ न कहो मैं जानता हूँ मेरा बंदा क्या है इनकान अब्दकुम फशानकुम बिही तुम्हारा है तो पकड़ लो उड़ा दो मार दो टुकड़े टुकड़े कर दो वह इनकान अब्दी अगर मेरा है फमिन्नी व इलैय अब्द मेरा है तो मैं जानूं और मेरा बंदा जा मेरा मिन्नी व इलैय अय क्या मोहब्बत का इजहार हो रहा है नाफरमानों के लिए या इबादी या इबादी कौन कितना प्यार है इस लफ्ज़ में या इबादी कौन जो बड़े नाम फरमाबरदार हैं जो बड़े अल्लामा हैं फहाम हैं मुत्तकी हैं तहज्जुद गुजार हैं नहीं अल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम जिन्होंने ज़िंदगी में मुझे राज़ी करने का कोई काम नहीं किया अल्लाह उनसे कह रहा है ए मेरे बंदो मैं उस लहजे को लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो इसमें है मैं कामयाब नहीं हो रहा जिस मोहब्बत से अल्लाह इस लफ्ज़ में अपना इजहार कर रहा है मेरे बंदो और कौन से बंदो तकवे वाले इल्म वाले तबलीग वाले जिहाद वाले नहीं अल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम जिनकी सारी जिंदगी नाफरमानी में गुजर गई उम्र तो कटी इश्क बुतां में मोमिन आखिर उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे मोमिन की तरह कहते फिरो कि उम्र तो बर्बाद कर दी अब मेरी तौबा का क्या फ़ायदा तो लगे रहे ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह नाउमीद ना हो इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीया सारे माफ़ करूँगा तुम आओ तो सही आने वालों तो मन तक़र्रब इलैया तलक्कैतुहु मिन बईद तुमसे कोई नाराज़ हो जाए तो उसे मनाने जाओ वो तुम्हारा इस्तक़बाल करेगा तुम ही किसी पे नाराज़ हो
तुम्हें मनाने के लिए आया, तुम उसका इस्तकबाल करोगे? चाहे इतने बड़े अल्लामा हो और इतने साल मेरी माफ़ी 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 की बातें सुनी हैं, फिर भी तुम्हारा नफ्स ऐसे कोबरा सांप की तरह उभरेगा कि अब आ गए हो माफ़ी मांगने, इतनी तुमने मेरी बेइज्जती की, इतना तुमने मुझे जलील किया, अब पहले कर लेते हो फिर कहते हो माफ़ कर दो। ये लोगों से सुनते हो तुम ये बातें, पहले कर लेते हो फिर कहते हो माफ़ कर दो, जाओ दफ़ा हो जाओ। और मेरा अल्लाह क्या कह रहा है, कभी सोचा है किसी को मनाने जाओ तो वो दरवाजे पर खड़ा हो के इस्तकबाल के लिए इंतज़ार कर रहा हो? कभी सोचा है? गुलाम हैदर वाइन बनाऊँ था, मियाँ चन्नू का वज़ीर आला भी बना, एक आदमी नाराज़ हो गया, उसके साथ कई वोट थे, उसके दरवाजे पर गया रात को, उसने कुंडी नहीं खोली, वहाँ कुर्सी बिछा के बैठा, फजर की अजान तक बैठा रहा, फजर की अजान तक। फिर उसको गैरत आई और उसने दरवाज़ा खोला, सारी ज़िंदगी उसका वफादार रहा, चंद वोट लेने के लिए सारी रात उसके दरवाजे पर गुजारी। मेरा अल्लाह तुमसे रात नहीं गुजरवाता, तुमसे नाक नहीं रगड़वाता। अल्लाह की मोहब्बत को महसूस करो अपनी रगों में, अपने खून में, अपने जिगर में, अपने दिल में, यही सारा इल्म है, बाकी सब फजूलियात हैं। फ़ालम ला इला इल्लल्लाह, सबसे बड़ा इल्म है ला इला इल्लल्लाह। चुमी गोयम मुसलमानम बदअज़म कितानम मुश्किलात ला इला मन तकर्रब इलैया, जो मुझे मनाने आता है तलक्कै तो मन बईद, मैं आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करता। कहीं देखा है ये जो मैं बता रहा हूँ? बोलो। और वो क्या कर, जो इन अंतुमुल फुकरा वल्लाहुल हुवल गनी लो अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम व हय्यकुम व मय्यतकुम व रतबकुम व याबसकुम व सगीरकुम व कबीरकुम कानू अला अतका कल्ब रजुल वाहिदन मा ज़ादा फी मुल्की शैया ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم وصغيركم وكبيركم وذكركم وانثاكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني تمہاری تم نہ میرے نقصان کے قابل ہو نہ میرے نفع کے قابل ہو تم سارے تقوی والے بن جاؤ تیرے بادشاہ کے ملک میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا اللہ نہ کرے سارے نافرمان بن جائیں اس کی شہنشاہی میں سرے کے برابر کمی نہیں ہوتی سب سے بڑا علم ہے صرف و ناف سے सिख रीत रवस मंशूरिन मंसूरिन। काजा गुलाम फरीद को पहले समझो, बड़े आलिम थे, आलिम थे, बहुत कादरी सिलसिले के बड़े सूफिया में से थे, ये चिश्तिया में से थे। सिख रीत रवस मंसूरिन, मंसूर हल्लाज की तरह इशारा है। कुंठा परख कंज कदूरिन, हादी न समझ हिदाया, काफ़ी न समझ किफाया, करपुर ज़े शरा विकाया, कर पुरजे शरा विकाया, यो दिल कुरान किताब है। वफ़ी अनफुसकुम अफला तुबसरून, वफ़ी अनफुसकुम अफला तुबसरून, इन फिल जसद मुज़गतन लो सलहत सलहल जसद कुल्लु वलो फसदत फसदल जसद कुल्लु अला 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 वहियल क़ल्ब। इसी पर आकर तुम्हारी कामयाबी कि दस्तार तुम्हें अल्लाह पहनाएगा। व शम्स व दुहा वलकमर इज़ा तला वन्नहार इज़ा जल्ला वल्लैल इज़ा यग़शा वस्समाअ वमा बना वल्अर्ध वमा तहा वनफ्सन वमा सव्वा। 11 कस्में अल्लाह उठाता है, 11 कस्में, 11। मैं पहले 7 समझता था, तुम्हारे शेख साहब ने बताया कि 11 हैं, आतफ मातूफ अलग अलग कस्में हैं। और कसम किस चीज़ पर है? कद अफलाह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन।
अपना को ये यहाँ कद अफलहा मन जक्का बखद ख्वाब मन दस्सा, 11 कसमें मुझे सूरज की कसम, उसकी रोशनी की कसम, मुझे चांद की कसम जब वो पीछे आता है, मुझे रात दिन की कसम जब वो छा जाता है, मुझे रात की कसम जब वो आ जाती है, मुझे आसमान की कसम आसमान के बनाने वाले की कसम, मुझे ज़मीन की कसम ज़मीन के बनाने वाले की कसम, और आखिर में एक जज्बाती कसम है, मुझे तेरी जान की कसम और तेरी जान के बनाने वाले रब की कसम। जैसे आदमी तेरी जान की कसम अब तो मान जाए, इस मन को पाक कर ले, इस दिल को साफ, दिल दरिया समुद्रों डूबे कौन दिला दिया जाने हो, विचे बेड़े विचे छेड़े विचे वंच मुहाने हो। ये दिल ही तो है जिस पे सारी दुनिया का निज़ाम इंसानी निज़ाम हरकत करता है। तो मेरे अजीज़ो, पहला इल्म है अल्लाह को पहचानो, पहला इल्म है अल्लाह को पहचानो, पहला इल्म है। ना सहाबा को सर्फ का पता था, ना नहव का पता था, ना बलागत का पता था, वो तो अपने फितरत में सर्फ जानते थे, नहव जानते थे, बलागत जानते थे, उनको पता था कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कौन है। हज़रत साद इब्न माज़ इब्न जबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्कंदरिया का क़िला फतह नहीं हो रहा था और काफ़ी दिन लग गए, तो एक दिन माज़ इब्न जबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्सा चढ़ा और उन्हें घोड़े दौड़ाते हुए किले के करीब ले आकर, लोगों हम ऐसे रब पर ईमान रखते हैं, अगर वो चाहे तो तुम्हारे किले की दीवारों को ज़मीन बोस कर दो। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उंगली का इशारा किया, अल्लाहु अकबर, सारा किला ज़मीन पे गिर गया। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने हिम्स का मुहासरा किया, मुहासरा तूल पकड़ गया। आखिरकार एक दिन फरमाया, लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया, वज़ू करो। हाँ, ईमान वालों का लश्कर तैयारी करता है वज़ू से, वज़ू करो। वज़ू किया, कहा मैं पहली तकबीर पढ़ूंगा, तुमने मेरे साथ तकबीर पढ़ने का, मैं दूसरी पढ़ूंगा, मैं तीसरी पढ़ूंगा। तो हिम्स को पर हमला हुए काफ़ी अरसा हो चुका था, फतह नहीं हो रहा था, तो हज़रत अबू उबैदा ने कहा अल्लाह अकबर, साहबा ने कहा अल्लाह अकबर, तो किले की दीवारें ऐसे हिलने लगीं। फिर उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, साहबा ने कहा अल्लाह अकबर, तो दरार पड़ गई। फिर कहा अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, तो पूरा एक दीवार का हिस्सा ज़मीन पे गिर गया। तो वो ईसाई जो थे सफ़ेद झंडे उठा के बाहर निकल आए कि हम इस कौम से नहीं लड़ सकते जिनके बोल में इतनी ताकत है कि आहिनी दीवारों को ज़मीन बोस करके तोड़ के रख दिया, उनके कौल में उनके बाजू में कितनी ताकत होगी। हज़रत आमिर इब्न मौलाना तारिक जमील जिदाए बा कमाल जो आज बयान से कि अल्लाह अपने बंदियां दा किवें इंतजार करदा, चाहे तुसी दुनिया पूरी उम्र भी नाफरमानी कीती है, रब नूं बिल्कुल याद नहीं कीता, हर टाइम दे गुनाह कीते, पर अगर तुसी तौबा कर ली, तौबा कर ली एक बारी पहुंच गया ते कले नाल लगाएगा माफ कर मामा करार के तो सारे बंदे आ रहे हैं। साडी गुरबाणी विच भी आंदा है चरण सरण गुर एक पैंडा जाए चल सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। गुरु साहब ते जो अल्लाह है या रब है वो ते करोड़ों कदम चल के आंदा तुहानू बुलाण वास्ते, साडी ढिल्ला सी एक कदम नहीं अगे वधे, एक बस ऐ हुंदा है। और उन्होंने जो कंपैरिजन दिता कि दुनिया विच देखो साडे नाल किसी दा मसला हो जाए असीं कदी किसी नूं माफ नहीं करांगे, असीं पूरी उम्र ओही गल्लां अपने नाल निबेड़ के चलने आ कि नहीं भैया कोई आएगा ते उहनूं पहले कहा टंगे माफी मंगण आया, उहनूं करण आया, फिर जे रब कोल जावांगे उहने नहीं सोचणा, उहने ते फौरन अपने कोल बुला लेणा, प्यार करना, गले लगाना, ऐ रब दे ही विरन है ना, ओही कर सकदे, ओही कर सकदे, नहीं कर सकदे। ते बहुत बहुत अच्छा बयान, सानू बहुत अच्छा लग्या, आई होप तुहानू भी कुछ ना कुछ सीखण नू जरूर मिलिया होगा इस वीडियो तो। अगर तुहानू साडा रिएक्शन अच्छा लग्या ते इस वीडियो नू लाइक करो, साडे चैनल नू भी सबसक्राइब करना जी। सत श्री अकाल।